जाहीर आवाहन. सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे. त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे. तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी. धन्यवाद. जाहीर आव्हान. सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे. त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे. तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी. धन्यवाद. जाहीर आव्हान. सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे. त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे. तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी. धन्यवाद. जाहीर आव्हान. सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे. त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे. तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी. धन्यवाद. जाहीर आव्हान. सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे. त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे. तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी. धन्यवाद. जाहीर आव्हान. सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की नागपूर शहरात कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त महानगरपालिका यांनी लॉकडाऊनचे आदेश जारी केले आहे. त्याचप्रमाणे माननीय पंतप्रधान यांनी ही लॉकडाऊनचे आवाहन केले आहे. सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की अनावश्यक बाहेर फिरणे टाळावे. तसेच सर्व आस्थापनाधारकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या दुकाने बंद ठेवून पोलिसांना सहकार्य करून समाजाचे स्वास्थ्य राखणे कामी मदत करावी. धन्यवाद. हम इस वक्त खड़े हैं नागपुर के मेडिकल चुस्कर में. यहाँ हमेशा की तरह जो भीड़ दिखती है वो आज नज़र नहीं आ रही है. जनता कर्फ्यू का असर यहाँ देखने को मिल रहा है. आप देख सकते हो ये स्क्वायर हमेशा आप देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका बना रहता है या हमेशा हज़ारों के तादाद में लोग आवाजाही करते रहते हैं. ये मेडिकल स्क्वायर जो है नागपुर का एक बड़ा स्क्वायर माना जाता है, जहाँ हर तरह के लोग हर दिशाओं को, और दक्षिण नागपुर से लेके मध्य नागपुर को जोड़ने वाला रोड माना जाता है. ये पूरी तरह से बंद दिख नज़र आ रहा है. यहाँ तक इसका असर मेडिकल पे भी दिख रहा है. जितने मेडिकल शॉप्स दिख रही है वो रोज़मर्रा की तरह आज चालू नहीं दिख रहे. आप देख सकते हो कि कई एक ही मेडिकल मुझे मेडिकल स्क्वायर में शुरू दिख रहा है.
उसी तरह यहाँ पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप हमेशा की तरह आज शुरू है, जो बताया गया था जनता कर्फ्यू में रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली जो आकस्मिक चीजें वो शुरू रहेंगी। जैसे पेट्रोल पंप देखा जा रहा है, पेट्रोल पंप शुरू है, एक मेडिकल यहाँ शुरू दिख रहा है, बाकी मेडिकल यहाँ बंद दिख रहे हैं। लोगों ने जनता कर्फ्यू का एक बेवकूफी के साथ जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करते हुए अच्छा प्रतिसाद दिखाया है और जनता कर्फ्यू कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहा है। आज इस समय में INBCN की टीम टुकड़जू पुतले पे आया। टुकड़जू पुतले चौक की क्या स्थितियां है वो हम आपको बताने के लिए कि पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है, एक आध दो वाहन इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ ऐसी भी एक सड़क है, आप देख सकते हैं कि ये वही सड़क है जहां पे प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग इसी सड़क से आवागमन करते हैं। ये जो सीधा जो सड़क दिख रही है, जो सुनसान जो सड़क है, ये जा रही है क्रीड़ा चौक के पास। क्रीड़ा चौक में ये सड़क जाती है, रोजाना यहाँ पे लोग आना जाना करते, लेकिन इस समय नहीं। खास मजे की बात तो ये है, यहाँ जो सिग्नल दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं कि रेड सिग्नल है, जहाँ ग्रीन भी है रेड सिग्नल है, लेकिन जाने वाला कोई नहीं है। जो भी कुछ है इनको कामकाज से लोग निकले हुए, कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना वायरस का जिस प्रकार से सरकार की ओर से जो एक आदेश आया था उसके ऊपर में लोग अब अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने स्वयं अपने घरों में रहना पसंद किया है और इस प्रकार से देश के लिए सेवा करने का जज्बा उनमें दिखाई दिया है, ये सबसे अच्छी बात है। ऐसा ही होते रहा तो बहुत जल्द कोरोना को इस देश से क्या पूरे विश्व से दूर किया जा सकता है, बशर्ते हम सब लोगों ने उसके लिए अपना सहयोग देना जरूरी है, जैसे कि आज दिया हुआ है। और इस प्रकार का जो आदेश सरकार की ओर से मिला था उसके ऊपर में पूरा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और इस प्रकार से ये जो है टुकड़जी पुतला चौक में यह इस तरह के कामकाज यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है और लोग जो कुछ महत्वपूर्ण काम से वही निकल रहे हैं, अधिकतर लोग घरों में ही हैं। हम आपको दिखा दें कि देखिए रेड सिग्नल लगने के बाद यहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल अभी थोड़ी देर में दिखाई देगा। सन्नाटा सा छाया हुआ है, सिर्फ हम और हमारे कैमरा पर्सन सुभाष है जो आपको पल पल की जानकारी। मैं सुभाष, हमारे कैमरा पर्सन सुभाष से कहना चाहूंगा, सुभाष आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे जो चौराहे पे देखिए कुछ लोग बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही कुछ लोग है जो पैदल अपने कामकाज पे यानी दवाखाने में जाते हुए भी अस्पताल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से टुकड़जी पुतला चौक में सन्नाटा है, खामोशी है और लोग, सबसे बड़ी बात है कि इस परिसर में लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ कई हुड़कों के क्वार्टर्स भी है, उन क्वार्टर्स के लोग भी अंदर में, अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के लोग भी अपने घर में बसे हुए, बंगले से लेके झुग्गी झोपड़ी से लेके तमाम लोग इस परिसर से जुड़े हुए, इस परिसर में रहते हुए तमाम लोग आज घर में बैठकर इस देशभक्ति को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। नागपुर के टुकड़जी पुतला चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ। आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडनं एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू म्हणून घोषित करण्यात आला आहे। लोकांना आवाहन केलं आहे की आजच्या दिवस घराच्या बाहेर निघू नये। आमच्या पूर्ण टीमने आज नागपूरचा पूर्ण दौरा केला, त्या दौऱ्यात बहुतांश ठिकाणी लोक घराच्या बाहेर निघाले नाही, कर्फ्यू सारखी पूर्ण परिस्थिती आहे। पण आपले जे पोलीस मामा किंवा पोलीस मित्र असतात ते आपल्या ड्युटीवर तत्पर आहे। शहर पूर्ण बंद आहे, चहाच्या टपऱ्या नाही आहेत, रेस्टॉरंट नाही आहे, अशा अशा त्यांची काय व्यवस्था करण्यात आली, आपल्यासोबत एक पोलीस कर्मचारी आहे, त्यांच्याकडनं जाणून घ्यावे की त्यांच्यासाठी पोलीस विभागाकडनं काय व्यवस्था किंवा काय करण्यात आलेलं आहे। सर, आज एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, काय पूर्ण आज आतापर्यंतची काय अपडेट आहे आणि तुमच्यासाठी काय व्यवस्था करण्यात आली आहे? आतापर्यंत जनतेने आम्हाला भरभरून साथ दिलेला आहे या कर्फ्यूसाठी, सगळे आपापल्या घरात आहे। तुरळक ज्यांना आवश्यक आहे, हे मेडिकलचा भाग आहे, इथं मेडिकलमध्ये जे येतात फक्त त्यांच्यासाठी ते येत आहेत। बाकी आमच्या अजनी पोलिसांचे पोलीस निरीक्षक खांडेकर साहेब यांच्याकडून आम्हाला फूड पॅकेट वगैरे याची व्यवस्था पुरवलेली आहे त्यांनी, जेणेकरून आम्ही इथे तत्पर हजर राहू कर्तव्यावर, अशी व्यवस्था त्यांच्याकडून झालेली आहे आमच्या अधिकाऱ्यांकडून। तर आपण आत्ताच जाणून घेतलं की अजनीचे जे पोलीस निरीक्षक आहे खांडेकर, त्यांच्याकडनं जेवणाची व्यवस्था ही त्यांच्यासाठी करण्यात आली आहे। म्हणजे शहरातल्या बहुतांश मोठ्या चौक्यामध्ये काही सामाजिक कार्यकर्ता, काही लोकप्रतिनिधींकडनं पोलिसांसाठी नाश्ता किंवा चहाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। हाच आहे नागपूरचा जज्बा आणि हीच आहे नागपूरचं बळ।
जैसे कि आपने देखा कि हर संगठन, हर प्रतिष्ठान है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के शॉप्स है पूरी तरह से बंद है और सभी सहकार्य कर रहे हैं। और नागरिकों को इनविजन न्यूज़ की ओर से भी एक अपील की जा रही है कि उन्होंने आज के दिन बिल्कुल बाहर ना निकले। कोरोना से जो युद्ध कर रहा है पूरा देश, इसमें अपना सहभाग दर्शाए। आज रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जनता को, सारे नागरिकों को, सारे देशवासियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक ये कर्फ्यू चलने वाला है। इस अंतर्गत नागपुर शहर में भी एक कर्फ्यू का वातावरण देखा गया। नागपुर शहर में कल से ही लॉकआउट का एक माहौल बना हुआ था। आज अंबाझरी थाना क्षेत्र में भी एक यह वातावरण देखा गया। कई नागरिक जो घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस बेकाम के घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना अंतर्गत लाया गया। 144 कलम का उल्लंघन किया है उन्होंने। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कई यात्री भी, कुछ स्टूडेंट भी यहाँ दिख रहे हैं जो घूम रहे थे, जिसे अंबाझरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाने में लाया। मेरे साथ अभी यहाँ मौजूद है अंबाझरी थाने के PI करे सर। सर, किस प्रकार की कार्रवाई आज की गई है नागरिकों में? आजच्या दिवशी जे नागरिक आहेत की जे कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय अति महत्त्वाचं काम नसतानाही विनाकारण रस्त्यावर आलेले आहेत, अशा लोकांना आम्ही मुंबई पोलीस कायदा कलम 68 प्रमाणे डिटेन करून त्यांना पोलीस स्टेशन येथे डिटेन करण्यात आलेलं आहे। आतावरी किती माहोल कशा प्रकारचा पाहण्यात आलेला आहे, किती लोक पकडण्यात आलेले आहेत आतावरी? आत्तापर्यंत आम्ही 30 ते 35 लोकांना डिटेन केलेलं आहे आणि आमचे जवळपास 4 फिक्स पॉईंट ऑफिसर्स आणि मेन्स आहेत, तसेच 2 ठिकाणी नाकाबंदी आहे। प्रत्येकाला थांबवून त्यांची विचारपूस करून त्यानंतर ते जर समजा मेडिकल हॉस्पिटलच्या सर्व्हिसेसवर, कोणत्याही सर्व्हिसवर असतील किंवा सिक्युरिटी गार्ड असतील किंवा पोलीस पर्सनल असतील, इमर्जन्सी ड्युटी असेल तर त्यांना जाऊ देण्यात येते। अदरवाईज त्यांना कोणत्याही कारणाशिवाय रस्त्यावर ते त्यांना डिटेन करून ठेवत आहोत की जेणेकरून लोकांमध्ये संदेश जाईल आणि हा जो जनता कर्फ्यू आहे त्याला आत्तापर्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे, लोकांना त्याचं महत्त्व पण अजून अवेअरनेसची गरज आहे, म्हणून आम्ही ही कारवाई करीत आहोत। लोकांकडून कसा प्रतिसाद मिळत आहे आणि लोकांना तुम्ही काय आवाहन करू इच्छिता? लोकांकडून तसाही खूप छान आकस्मिक सेवाओं का लाभ उठाना है तो ही जाए, अन्यथा ना जाए। वैसे ही देखा गया कि आज पेपर एसोसिएशन के ओर से भी बंद का एक पुकारा किया गया था। अब प्रेस पेपर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश नागलकर जी हमारे साथ हैं। नमस्ते, मैं रमेश नागलकर। प्रधानमंत्री के आह्वान पे हम विक्रेता भाइयों ने ये बंद रखे थे। आज सुबह से ही सभी विक्रेता भाइयों ने पेपर के काउंटर पे नहीं आए और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर बंद रखा। हमारे एकाधी ही पेपर विक्रेताओं ने पेपर उठाने के एकाधी पेपर विक्रेताओं ने सिर्फ पेपर लिए हैं, उन्होंने भी उनको भी पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने थोड़ा समझाया कि ये गलती नहीं करना चाहिए, अपन सब ने इसको सहयोग देना चाहिए और इस कोरोना से बचना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि कोरोना से अपना देश बचे और अपने देश में ही कोरोना ना फैले। ये कोरोना जो है अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, पूरे विश्व के लिए घातक हो रहा है। हाँ।